हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में छोटी सी वीडियो बनेगी, शायद ये दो तीन चार मिनट की। इसमें मैंने सिर्फ दो पेमेंट दिखानी है, एक तो कोई फ्रेट की पेमेंट है और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है। मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को एक टाइम ना भी देखो, खुद भी कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप खुद करने लगते हो तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ती है। तो सिंपल दो पेमेंट के वाउचर आपने एंटर करने हैं और इसमें कुछ भी मैं टेक्निकल नहीं करवा रहा। टेक्निकल तो खैर पूरा टैली में कुछ होता ही नहीं, सब कुछ आसान है, बट फिर भी इसमें मैं कुछ टेक्निकल नहीं करवा रहा। तो पहली एंट्री है मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल 2300 की पेमेंट की। चेक नंबर हमें आके देखना पड़ेगा इसमें। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री की बात करूं तो आप जानते हो पेमेंट में होता क्या है, खर्चे को डेबिट करते हैं और जो एसेट रिड्यूस हो, अगर कैश की पेमेंट होगी तो कैश रिड्यूस है, बैंक से पेमेंट होगी तो बैंक रिड्यूस है ना। तो उस लेवल से देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया लेकिन इस बार पेमेंट बैंक से की तो बैंक को रिड्यूस किया क्रेडिट करके। ऐसे फ्रेट पे कर रहे हैं अगली ट्रांजेक्शन में, उसमें कैश पे किया तो कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो सिंपल है, इधर करते हैं एंट्री। याद रखना इलेक्ट्रिसिटी 15 तारीख की है। पेमेंट वाउचर ये है F5 पेमेंट। डेट चेंज करेंगे, पहले तो इसकी हम डेट ले लेंगे 15 अप्रैल 2017। ये डेट चेक कर ली, पेमेंट है अकाउंट। पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं SBI। क्या पे कर रहे हैं हम इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी। ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट, मैं गलत ना एंटर कर दूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2300, ठीक है जी। ये ले लिया मैंने, चेक दिया है, इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर वो मांगेगा। चेक नंबर यहाँ पर भी नहीं है, चेक नंबर यहाँ है, 2300 का दिया, 219625 ये चेक नंबर डल गया। इंस्ट्रूमेंट की डेट देख लेते हैं इसको भी, इंस्ट्रूमेंट की डेट 15 अप्रैल ही है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ो, नरेशन being electricity bill paid by check। लास्ट में मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको एक इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट है, पेमेंट वाउचर यूज़ करना है, डेट चेंज करनी है, कुछ बेसिक बातें करनी है, काम खत्म। यस, फिनिश्ड। चलिए, अब हमारे को 800 रुपया फ्रेट पे करना है 16 अप्रैल में, है ना। फ्रेट इनवर्ड कर देते हैं इसको भी, वही पेमेंट वाउचर है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। हाँ, डेट जरूर 16 करनी है, एक डेट तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ाता है, तो 16 अप्रैल तो इसने कर ही दिया। अब अकाउंट इस बार हमने कैश से पे किया है, खर्चा हमारा फ्रेट है, फ्रेट एक्सपेंसेस 800 रुपये का हमारा बिल है। एंटर कैश में, तो वो आपसे कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर भी नहीं मांग सकता, अभी तक ऐसा तो नहीं होता ना कि नोटों के नंबर भी एंटर करें, नोटों के डिनोमिनेशंस तो मांगता है, वो भी जब बैंक में हम डिपॉजिट वगैरह करें तो भी इतना ही है। सो बींग कैश पेड फॉर दिस फ्रेट एक्सपेंसेस, फ्रेट आप समझते हैं ना, भाड़ा, जो ट्रक में सामान आना जाना होता है, मतलब इसमें तो आना है क्योंकि इनवर्ड्स की बात हो रही है, तो जो ट्रक सामान लेके आता है उसमें जो किराया हम देते हैं उसको फ्रेट बोलते हैं। तो इस वक्त क्या हुआ है कि जैसे हम जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें जो आया होगा ट्रक कोई, उसका भाड़ा हमने पे किया होगा, तो दैट इज़ द फ्रेट इनवर्ड्स, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की ये एंट्री होती है। तो उस हिसाब से ये हमने पे कर दिया एंड बस, आप जानते हैं ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद यस फिनिश्ड। तो यही दो छोटी छोटी एंट्री मैंने इस वीडियो में की, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो काफ़ी छोटी ही रही और आगे हम इसके नेक्स्ट एंट्रीज करेंगे। थैंक यू।